हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर सेकंड में, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट इन द फैमिली, मनोरंजन परिवार में। ठीक है, तो परिवार के बिना मनोरंजन कैसे होते हैं? अधूरे। लेके ब्याह से मुंडन तक, लेके जन्मदिन से मरण दिन तक, सभी में हमें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट अवर लाइफ। ठीक है, हमारा जीवन पूरा भरा हुआ किससे? एंटरटेनमेंट से। तो हम बात करते हैं इसी एंटरटेनमेंट की, और ये जो चैप्टर है ये है क्लास सेकंड का चैप्टर, और ये एसएसटी की बुक के अंदर आता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हेयर यू विल लर्न अबाउट, यहां पर तुम पढ़ते हो किसके बारे में? एंटरटेनमेंट विद द फैमिली, परिवार के साथ मनोरंजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और देखो, एंटरटेनमेंट में परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। पता लगा तुम अपने दोस्तों को लाके टीवी देख रहे थे, पता लगा तो तुम्हारे पापा ने दोस्तों के सामने कूट दिए, तो तुम्हारे पापा की क्या नहीं थी? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अभी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो परिवार के सदस्यों की क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियां, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं हमारे प्रति? तो आज हम उसी चीज को जानेंगे। तो माय ऑल फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, मेरे सारे परिवार के सदस्य साथ साथ रहते हैं। लिविंग विद द फैमिली इज ऑलवेज प्लेजेंट, और परिवार के साथ रहना हमेशा कैसा होता है? खुशियों से भरा हुआ। All family members of our family have fun for entertainment in free times. हमारे परिवार के, देखो ऐसे हिंदी निकालोगे आप, all family members, all में सभी family members, परिवार के सदस्य, of our family, हमारे परिवार के सभी सदस्य have fun, मजे किया करते हैं, for entertainment, मनोरंजन के लिए, in free times, खाली समय में। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वॉच टेलीविजन, हम टेलीविजन देखते हैं शाम के समय एंटरटेनमेंट के लिए। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियां। ठीक है, ईच फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली हैज अ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ईच फैमिली मेंबर, प्रत्येक परिवार के सदस्य की ऑफ फैमिली, एक परिवार के Has a special responsibility. उसके पास एक विशेष क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। परिवार के हर सदस्य के पास उसकी एक विशेष जिम्मेदारी होती है। Our parents take care of our needs. हमारे पिताजी जो हैं, या हमारे मम्मी पापा, our parents, हमारे माता पिता take care माने होता है ध्यान रखना, take care ऑफ अवर नीड्स, हमारी जरूरतों का। तो हमारे माता पिता हमारी जरूरतों का क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। ड्रॉप अस एट अवर स्कूल, हमारे स्कूल तक छोड़ के आते हैं। अवर पेरेंट्स हेल्प अस, अवर पेरेंट्स हमारे माता पिता हेल्प अस, सहायता करते हैं हमारी इन अवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में भी हमारी सहायता करते हैं। अवर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, Also माने होता है भी, टेक केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल करते हैं। दे माने वे, समटाइम्स कभी कभी, टेल माने होता है बताना या सुनाना, अस माने हमको, स्टोरीज माने कहानियां, वे हमको कहानियां भी बताते और सुनाते हैं। एंड और हैव फन विद अस, और हमारे साथ क्या करते हैं? आनंद करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मजे करते हैं। अभी देखो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, और दूसरा सेलिब्रेशन है पार्क में बैठे बढ़िया एंजॉयमेंट ले रहे। वी समटाइम्स, हम कभी कभी गो टू अ पार्क, एक पार्क में जाते हैं फॉर पिकनिक मनाने के लिए। हम कभी कभी पिकनिक मनाने के लिए कहां पर जाते हैं? पार्क में जाते हैं। वी माने हम, आल्सो माने भी, हम भी एंजॉय माने था आनंद करना, आनंद लेना, सेलिब्रेटिंग मनाकर, हम कभी कभी आनंद लेते हैं मनाकर। एन ओकेजन टुगेदर,
एंड ओकेजन, ओकेजन माने होता है अवसर और टुगेदर माने होता है साथ साथ। एक अवसर को साथ साथ मनाकर हम क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर वेडिंग, वेडिंग्स, वेडिंग्स मतलब शादियां, और बर्थडे, जन्मदिन, फेस्टिवल्स, त्योहार, ईटीसी इत्यादि। आर ओकेजन ये क्या है, यही तो विशेष पर्व है, वो यही तो है ओकेजन। When all the family members, जब परिवार के सारे सदस्य get together, इकट्ठा होते हैं साथ साथ, ठीक है, या साथ साथ आते हैं या होते हैं। And or have lots of fun, और बहुत मजे लेते हैं। There is a dance, अब जब वो सब एक साथ होते हैं तो क्या होता है। There is dance and music, वहां होता है कौन कौन, डांस, डांस माना होता है नाचना, नृत्य। एंड म्यूजिक और संगीत। एंड लॉट्स ऑफ फूड, और बहुत के लॉट्स ऑफ फूड मतलब बहुत सारा भोजन, बहुत सारा भोजन मतलब कई प्रकार का, विशेष विशेष तरह का भोजन। टू रैलिस एंड ईट, टू रैलिस एंड ईट यानी कि आनंद लेने के लिए और खाने के लिए, ठीक है। These are moments of fun. These माने ये are माने हैं, और moments माने क्षण या पल, of fun, और यही क्या है, यही आनंद के पल हैं। कौन से पल हैं, आनंद के पल हैं। Enjoyed, जो हम आनंद लेते हैं, by every member, प्रत्येक सदस्य के द्वारा, ऑफ अवर फैमिली हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा हम क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया हमारा ब्रेन बज। ब्रेन बज क्या कह रहा है, ये ब्रेन बज जो होता है बेसिकली हमें एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, तो देख लेते हैं। इन अवर कंट्री, हमारे देश में दीपावली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हमारे देश में दीपावली किसका, प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। दीपावली इज नोन एज, दीपावली जाना जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाश का त्योहार के नाम से। पीपल लाइट दियाज एंड कैंडल्स एट होम, पीपल लाइट, लोग प्रकाश करते हैं दियाज एंड कैंडल्स, दिया और मोमबत्ती का, एट होम घर पर। चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स, चिल्ड्रन खेलते हैं पटाखों के साथ। एंड फायर वर्क्स एट नाइट, और क्या करते हैं वो फुल जड़ियां जलाते हैं रात में। पीपल वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, और इस दिन लोग किसकी, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत सारी मिठाइयां आती है, दबा के खाई जाती हैं, और वो भी क्या है, वो भी एक एंटरटेनमेंट में आता है, क्योंकि उसमें भी परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, फिर मिठाई खाते हैं, फिर पटाखे छुड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है होली, क्या कह रहा है, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली एक रंगों का त्योहार है। वी स्प्रे कलर्स ऑन अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, वी स्प्रे, हम छिड़कते हैं कलर्स, रंग ऑन अवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों पर, एंड फैमिली मेंबर्स और परिवार के सदस्यों पर। अब बात करते हैं लेसन समरी पार्ट के सारांश की। पहला है वी सेलिब्रेट मैनी थिंग्स, हम मनाते हैं बहुत सारी चीजें, इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स, जोड़कर त्योहारों को, मतलब साथ लगाकर, वेडिंग, शादियां, बर्थडे, जन्मदिन, ईटीसी इत्यादि, टुगेदर साथ साथ, हम इन सभी चीजों को साथ साथ मनाते हैं। ईच वन इन द फैमिली हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले, और इन सभी त्योहारों में या इन सभी चीजों में ईच, प्रत्येक का वन, ईच वन प्रत्येक सदस्य का इन द फैमिली परिवार के हैज अ स्पेशल रोल, एक विशेष रोल होता है टू प्ले, अदा करने के लिए। ऑल मेंबर्स, सारे सदस्य ऑफ अवर फैमिली हैव फन इन फ्री टाइम, खाली समय में आनंद लेते हैं सारे सदस्य। वी लिव टुगेदर एज अ फैमिली, और हम एक परिवार की तरह साथ साथ रहते हैं। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज टाइम की। एक्सरसाइज टाइम है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है, टिक राइट द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ किसका, लाइट का। सेकंड है अवर ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प अस इन अवर स्लीपिंग, जॉगिंग या स्टडीज,
तो वो करते हैं अवर ग्रैंड अवर पेरेंट्स हेल्प अस इन अवर स्टडीज. समटाइम्स कभी कभी वी गो ऑन ए लॉन्ग बाथ ब्रश या हॉलीडे. तो हॉलीडे लॉन्ग हॉलीडे होगा ना, लंबे समय तक दांत थोड़ी मारने होंगे. लिविंग विद द फैमिली इज ऑलवेज, परिवार के साथ रहना हमेशा कैसा होता है, आनंद से भरा होता, प्लीजिंग. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स बने इन वर्डों की सहायता से जो नीचे दे रखे हैं. पहला है फैमिली मेंबर्स और डैश ऑन ऑकेजंस. ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, गेट टूगेदर ऑन ऑकेजंस फर्स्ट का. सेकंड अवर पेरेंट्स डैश ऑफ अवर नीड, तो ये हो जाएगा टेक केयर ऑफ अवर नीड दूसरे का. तीसरा है हमारा ईच फैमिली मेंबर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड और उससे अलग फोर्थ है वी सेलिब्रेट ओकेजन, ये हो जाएगा टुगेदर साथ साथ. नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस. वेडिंग्स आर हैप्पी ओकेजंस, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू. दूसरा है अवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस स्टोरीज, तो ये भी कैसा है, ट्रू. तीसरा वी डू नॉट गो आउट विद अवर फैमिली मेंबर्स, ये हो जाएगा फॉल्स. ये कह रहा था भैया इसका मतलब था वी डू नॉट गो आउट, हमें नहीं जा, हम नहीं जाते हैं बाहर विद अवर फैमिली मेंबर्स, हमने हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, तो हम तो जाते हैं, तो गलत दे रखा बात है. नेक्स्ट भैया हमारी वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ओनली विद अवर फ्रेंड्स, हम अपने त्योहारों को अपने मित्रों के साथ मनाते हैं, नहीं फैमिली मेंबर के साथ. फॉल्स है, गलत है. तो ग्रीन वाले गलत है और रेड वाले ठीक है. अब ये कह रहा हूं मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. माई ऑल फैमिली मेंबर्स लिव, तो क्या हो जाएगा, टूगेदर. अवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस. इन द इवनिंग वी वॉच टेलीविजन. दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. क्वेश्चन आंसर और ये बाकी का काम करा देंगे आपको क्लास में. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू.